हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यू पी एस अड्डा आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री में दैट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है फेजेस में हुआ है सबसे पहले जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसमें एटीन सेवनटीन टू एटीन ड्यूरेशन रफली जो इंग्लैंड में हुआ था सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोलूशन इंग्लैंड के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी हुआ एक्सपेंड हुआ तो उसमें जापान में 16 uh, और यूएसए में 1865 ऑनवर्ड्स और जर्मनी में 1870 सेवेंटी ऑनवर्ड्स और इटली में 1870 सेवनटी ऑनवर्ड्स और रशिया जो है लास्ट यूरोपियन नेशन था टू तो इंडस्ट्रालाइज इसमें नाइनटीन ट्वेंटी जो है इंडस्ट्रियल रेवोलूशन आया वॉट आर द कंपोनेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोलूशन एक मूविंग टुवर्स मेकनाइज प्रोडक्शन यानी कि यूज ऑफ मशीन्स जो है स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन जो है ये सेंट्रलाइज हुआ एज ह्यूज फैक्ट्रीज रिप्लेस दी स्मॉल वर्कशॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स और इसमें फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्टेंस में आया एंड इट इज करेक्टराइज बाई वाइटल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विच रिवोल्यूशनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट वॉज अ रिवोल्यूशन इन प्रोसेस एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन बाई गुड्स इन इकोनमी

ट ऑफ रिनाशा जो है ये एग्जिस्ट थी इन सोसाइटी दैट इज डिज़ायर टू लॉजिकली रिजोल्व द प्रॉब्लम और एक्चुअली हैचुरी इन यूरोप एंड इट फोकस ऑन ह्यूमनिजम दैट इज अवमेंट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन फॉर फोकसिंग ऑन टूल ऑफ लॉजिक एंड रिजन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ इन एवरी सीयर ऑफ लाइफ और इसको नासा बोलते हैं नासा लिट टू बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इन अर्ली फेजेस ऑफ फेजी सेंचुरी इन इंग्लैंड वो स्पिरिट जो है वो परसिस्ट कर रही थी इंग्लैंड में एंड निशा इनलाइटमेंट मूवमेंट इन दॉलिटी इन सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी दैट बर्थ टू मॉडर्न पोलिटिकल आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी सेपरेट सेपरेशन ऑफ पावर फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा एंडसा लेट टू दी साइंटिफिक रिवोल्यूशन सेल्सो लाइक गलेलियो जो है उन्होंने कंपास इन्वेंट किया बताया किट फ्लैट एंड सेकेंड अपार्ट फ्रामा दिकॉज ऑफ द रिच ट्रेड जो कि इंग्लैंड का रहता उस समय देर वॉज एकोमलेन ऑफ मनी इन दोसाइटी टू फंड इनोवेश मशीन्स डेवलप्ड अक्रॉस द इकोनमी इसके अलावा देर वॉज सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी था पीपल में बिकॉज द रूल ऑफ लॉ जो है इंग्लैंड में मेनटेन था बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड देर फॉर जो मेन आवर ऑफ मनी थे दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इट्स देयर कैपिटल और इंग्लैंड वॉज रिच इन रिसोर्सिस ऑफ आयरन एंड कोल जो कि क्रूशल है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए और इंग्लैंड ऑल्सो हैड इनलैंड वाटर ट्रिब्यूटरीज विच हेल्प फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड इसके अलावा इंग्लैंड में काफ़ी अच्छे नेचुरल हार्बर भी हैं एंड देयर फॉर वेरी गुड पोर्ट्स विच अलाउड दी फ्लर्शिंग ऑफ द ट्रेड नेचुरल हार्बर वो होते हैं जो अपना वाटर और लैंड जो कोस्ट में काफ़ी डीप रहता है दोनों का जो कोस्ट लाइन तो उसकी वजह से uh, शिप जो है एकदम कोस्ट तक आ, जा, आ, आ जाते हैं एंड इंग्लैंड वॉज एन आईलैंड कंट्री एंड देर फॉर इट वॉज प्रोटेक्टेड फ्राम दर्नल इन्वेजन और विच गिव पीस टू दी सोसाइटी एंड विच बूस्टेड दी इकानमी तो ये काफ़ी ऐसा डाइवर्स जो है अपना रीजन्स रहे आ, जो कि कल्चरली है अपना स्परिट ऑफ इंडसा इकोनॉमी कैपिटलिज्म एंड ऑफ मनी जियोग्राफिकली रिसोर्स एरिया एंड एक्सलैंड टोपोग्राफी और, तो और पोलिटिकली है इट वॉज दर्स्ट डेमोक्रेसी तो ये ऐसे में डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट्स को देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो इसमें क्रॉस सेक्टर्स जो हैं अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है अपना टेक्सटाइल सेक्टर एंड इट बिगेन इन द टल सेक्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियलूशन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी मोनोपोली थी दी ट्रेड ओवर विथ इंडिया एंड द टेक्सटाइल सेक्टर वॉज बूमिंग बिकॉज ऑफ हाई डिमांड टू फिनिश्ड कॉटन फ्राम द इंडिया एंड देयर फॉर दिस मेड अदर बिजनेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी Uh, unko boost and they sought to capture some market share in the textile sector and this led to their desire to manufacture the finished uh, cotton locally also and they started uh, funding innovations that triggered the series of you know, uh, inventions which led to the industrial revolution in the england जो फंक्शनिंग ऑफ स्टेशल रिवोल्यूशन थी तो इसमें सेपरेशन ऑफ़ फाइबर्स फ्रॉम सीड स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स इंटू थ्रेड और कन्वर्जन और लूमिंग ऑफ द थ्रेड इंटू क्लॉथ्स ये तीन मेन स्टेप्स आते हैं इन तीनों स्टेप्स के लिए जो है इनोवेशन हो रहे थे तो जो फास्टर स्पिनिंग मशीन्स हैं ये डेवलप की गई बाई हॉर्ग्रीज एंड देन ऑक्राइड डेवलप दिस मशीन्स एंड द दैट रन ऑन द हाइड्रो पावर और इसके वजह से और इफ़िशियंट हुआ प्रोडक्शन एंड दिस पुट प्रेशर ऑन द लूमिंग सेक्टर फॉर फास्टर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्पिंड थ्रेड और उसके वजह से जो मैनुफैक्चरिंग जो है रैपिड प्रोसेस में स्टार्ट हुआ जो मशीन थी वॉज डेवलप्ड फॉर द फास्टर लूमिंग ऑन द थ्रेड टू क्लॉथ वॉज कार्ट राइट ना सेवनटीन एटी फाइव में ऑन हॉर्स पावर ये पहले ये, ये यूज होता था और इसीलिए जो अपना हॉर्स पावर आज भी जो किसी मशीन का पावर देखना हो तो हॉर्स पावर में डिपेंड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इट पुट प्रेशर ऑन वी प्राइमरी सेक्टर वेयर द कॉटन फाइबर्स फॉर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ना कि यूटिलाइज जल्दी हो रहा है तो बने भी जल्दी जल्दी, जल्दी। तो द शॉर्टेज ऑफ फाइबर ट्रिगर द इनोवेशन ऑफ द कॉटन जिन बाई एल वी विटनी इन सेवनटीन नाइनटी थ्री एंड दिस मशीन को सेपरेट दी फाइबर्स मोर देन दी मैनुअल सेपरेशन होता है बाई हैंड और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन शुरू हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर फिर अगर स्टीम की बात करें तो डूरिंग इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन नॉट जस्ट मशीन बट न्यू सोर्सेज ऑफ पावर ये भी डेवलप हो रहे थे लाइक हाइड्रो पावर स्टीम पावर एंड द इनोवेशन ऑफ जो स्टीम इंजन था यह ट्रुल रिवोलूशनरी था इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एस मशीन आर नाउ अडोप्टेड फॉर यूज बाई स्टीम इंजन और स्टीम इंजन लेटर रिवोल्यूनाइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये स्टीम इंजन के वजह से जो जेम्स वॉट ने डेवलप किया था स्टीम इंजन सेवन सिक्सटी नाइन में एंड नाउ दशीन टू रन ऑन स्टीम इंजन और दिस बूस्टेड दीड ऑफ प्रोडक्शन लाइकली एंड स्टीम इन इंजन ऑल्सो बूस्ट कैनाल कोल प्रोडक्शन एज ना वाटर कड जो है एट मोर रैपिड पेस जो स्टीम इंजन यूज़ करके जो माइंस में पानी भर जाता था उसको निकालने के लिए अब स्टीम इंजन का यूज़ कर रहे थे दिस फर्दर अलाउड द रैपिड एडोप्शन ऑफ स्टीम इंजन क्योंकि कोल से ही फिर स्टीम बनेगा तो ये सब पॉजिटिव फीडबैक अपना चल पड़ा साइकिल फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ब्लास्ट फर्नास जो है इनोवेट हुई टू तो प्रोडक्शन ऑफ चीपर एंड बेटर स्टील और uh, एंड यह इनोवेशन ऑफ जो ब्लास्ट सर्वे परफॉर्मेंसेज थी दे अलाउड चीपर क्वाल एंड बेटर क्वालिटी ऑफ स्टील और नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस पिग आयरन जो कास्ट आयरन था इट कुड ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस एंड दिस हेल्प्स द फास्टर ऑप्शन ऑफ मशीन्स इन दिस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द बेटर क्वालिटी ऑफ मशीन्स इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो स्टीम इंजन जो है ये डिप्लॉय किए गए इन रेलवे बिकॉज ऑफ द इनोवेशन बाय जॉर्ज स्टीफेंसन 1814 में एंड 1830 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है डेवलप हुई स्टीम इंजन पे एंड रेलवे एनर्जाइज द इकानमी एज इट बिकम द मोर इंटरकनेक्टेड इकानमी बिकम मोर इंटरकनेक्टेड एंड नाउ मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल थे ये और रेपिड पेस से हो सकते थे और uh, नाउ द फैक्ट्रीज गॉट रॉ मटेरियल एट फास्टर पेस और उसकी वजह से और बदले में फिनिश गुज जो है फास्टर पेड से पेट से, से मार्केट्स तक पहुँच रहे थे एंड देयर फोर दी होल इंडस्ट्रियल पोस्टर्ड गेट बूस्टेड एंड दिस टिगर्ड द्यूज रेल रोड कंस्ट्रक्शन इन द ब्रिटिश एज वेल ऑनली कॉलोनीज लाइक इंडिया तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट और बूस्ट हुआ जो इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था इंडिया एंड इंग्लैंड हैड अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटर ट्रिब्यूटरीज और जो स्टीम इंजन से ये अडॉप्ट हुए फॉर यूज इन दी स्मॉलर बोट्स एंड देर फॉर ना गुड्स कैन रीच फैक्ट टू फैक्ट्रीज एट मोर फास्टर पेस बिकॉज ऑफ स्टीम और चीप तो है ही वाटर ट्रांसपोर्ट है तो एंड दिस दी कैनाल नेटवर्क कंस्ट्रक्शन इन द ब्रिटेन इसके अलावा जो स्टीम पावर्ड शिप्स थे दे नाउ कुड रीच कॉलोनीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट मच फास्टर पेस एंड इसकी वजह से भी ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू तो द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्रीज हुए एंड ऑल्सो रैपिड एक्सपेंशन हुआ इन इम्पोर्ट ऑफ द रॉ मटीरियल फ्रॉम द कॉलोनीज इसके बाद बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की तो जो है जो मैकेनाइज रोड थी जो पक्का रोड जो है बनने लगी इलेक्ट्री दास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स और और इन सब वजह से जो कंप्लीट ट्रांसपोर्ट uh, के डिफरेंट एवेन्यूज की वजह से uh, एक नेटवर्क ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है uh, हुआ जो इंटरकनेक्टेड किया इकोनॉमी को एंड आल्सो द ब्रिटिश इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो और दिस लेड इंटीग्रेटेड मार्केट फास्टर एंड फास्टर कैप्चर ऑफ़ द न्यू मार्केट्स एंड फास्ट द रॉ द फैक्ट्रीज़ इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर और रिवोल्यूशनरी एज डेवलपमेंट ऑफ मशीन मशीन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर साथ साथ में रिवोल्यूशनइज किए हैं इनको और अगर इसको हम फ्लो चार्ट से समझें तो जैसे कॉलोनीज लाइक इंडिया वगैरह से अपने रॉ मटेरियल आए शिप्स के थ्रू ब्रिटिश पोर्ट में ये रेल रोड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री में गए फैक्ट्री से फिनिश्ड गुड दोबारा पोर्ट में आए जो कि हम कॉलोनीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अलावा अदर फैक्ट्रीज पर गए अगर, अगर इंटरमीडिएट कोई गुड प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ से जो है अपना मार्केट में आए मार्केट में ब्रिटिश मार्केट एज वेल फॉरन मार्केट फॉरन मार्केट जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी एंड रेस्ट ऑफ दर्ल्थ लाइक यूरोप एंड अपना यू एस ए वगैरह इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ इन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट लेड टू द ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रैश क्रॉप्स लाइक कॉटन कॉफी शुगर टोबैको ये सब बनने लगे एंड दिस सपोर्टेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इंग्लैंड एंड हाउ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर सपोर्टेड तो एक तो इनक्लोजर मोमेंट था तो दिस इनक्लोजर मोमेंट इट बिगे बिफोर द नशनल एज वेल तो हिया दार्लियामेंट नक्सेस और इन सपोर्ट विद द बिग लैंड लॉड्स ब्रॉड आउट सच लॉस दैट अलाउड फॉर इजियर एंड एट टाइम्स बाई फोर्स दैंडन बाई बिग लैंड लॉड्स ऑफ दैंड ऑफ स्मॉल लैंड ओनर्स और And common village lands, and this ended the fragmentation of land holding, and therefore it provided economies of scale. In the movement, lands yase, kar diya gaya by big landlords. Scale up with development of machine uh, for different processes like. Uh, where, uh, uh, जो डिफरेंट प्रोसेस uh, थे लाइक थ्रैशिंग ऑफ दी जो क्रॉप है ये सब देर वॉज नाउ लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर एंड बिग मशीन कुड नाउ डिप्लॉयड इन डिप्लॉय लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड और इसके अलावा बेटर फार्मिंग टेक्नोलॉजी लाइक अपना इंटेंसिव फार्मिंग क्रॉप रोटेशन इस सबने प्रोडक्शन को बूस्ट किया एंड विथ इकोमीज ऑन स्केल बेटर फार्मिंग टेक्निक्स एंड मशीन जो हैं

वर्कर बन गए एंड इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लाइक डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राम दैट लेड टू फास्टर कम्युनिकेशन उसकी वजह से ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस हुआ फास्टर बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए तो ये सारे रीजन्स रहे ब्रिटिश ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तो इसका इम्पैक्ट क्या पूरा तो इम्पैक्ट वॉज ऑन ब्रिटेन ऑन ऑन वर्ल्ड तो जो ब्रिटेन में इम्पैक्ट हुआ तो जी डी पी इंक्रीज़ हुई नेचर ऑफ जी डी पी चेंज हुई अगेन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ और इम्पोर्ट ऑफ फिश टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ये जो है डिक्रीज uh, हुआ इम्पोर्ट ऑफ रॉक का मटेरियल ये इंक्रीज हुआ और एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश ग्रुड्स इंक्रीज हुआ ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश ग्रुट इंक्रीज़ उसमें कोल एंड पिक आयरन जो कोल एंड पिक आयरन प्रोडक्शन था ये इंक्रीज हुआ एंड uh, इसमें एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया ब्रिटिश के द्वारा एंड ब्रिटेन नंबर जैसे टॉप एंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड ब्रिटेन टू कंसोल स्टेटस एज द ग्लोबल पावर एंड जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था डोमेटेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ एंड एज नाउ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट द इकॉनी पोस्ट आई आर पोलिटिकल जो है पावर थी जो बिग लैंड की वो डिक्रीज हुई एंड इंडस्ट्रियल की पोलिटिकल पावर थी वो इंक्रीज हुई and therefore industrial revolution benefited the capitalist class movement and because of mass migration now landless laborers from rural to urban areas social uprooting of mass masses ki, and also cities were ill prepared to handle such large influx of people चीज़ दी लो वर्कर्स इन ओवर क्राउडेड एंड स्लम्स एरिया वहाँ से पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब बनना शुरू हुआ अर्बन एरियाज में दे वॉज पुअर सैनिटेशन लैक ऑफ क्लिनिंग क्लीन ड्रिंकिंग स्लम जो है ये पुलिस हुए और हब ऑफ डिजीजेज बनेटीज वर नाउ मार्क विदार्क ऑफ रिच जो है कॉलोनी इसके अलावा तो कॉन्सेप्ट ऑफ लासेस फेरे ये दैट इज गवर्नमेंट शेल हैव नो रोल इन इकॉनमी एंड देर फॉर शुड बी अ फ्री मार्केट इकॉनमी विथ ऑनली फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एवरी एवरीथिंग ये जो है एडम स्मिथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ लससेस फेयर है इन हिज बुक जो थी एन एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये गवर्नमेंट डिड नॉट कम देर एड एंड दे पुअर देर चाइल्ड लेबर ना जो कि चीप मिलता था फ्रिक्वेंट जो है uh, फीमेल लेबर जो थे दे वॉज ऑन राइज बिकॉज ऑफ दे देयर वर्क वॉज ऑन लोअर वेजेस ना देर वॉज नो सोशल सिक्योरिटी नो पेंशन नो एक्सीडेंट अलाउंस नो सिकनेस अलाउंस नो कैप ऑन वर्क वर्क आवर्स विच वर्क आवर्स रेंजिंग एटीन टू ट्वेंटी टू आवर्स डे मतलब एस आई एस दिस नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स और ट्रेड लीगल इनलीगल बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी इंक्रीज रेपिडली एंड ग्रेजुअली दर्किंग क्लास मूवमेंट जो है इट गेंट्रेंथ तो कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने ये इमर्ज हुए एंड इट हीज आइडियाज बाई स्टडिंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीय कंट्रीज लाइक एंड देयर फोर द निगेटिव ऑफ इंडस्ट्रियल मार्क्सिजम एंड स्ट्रेंथ इन दर्किंग क्लास मूवमेंट तो ये कैसे राइज हुआ तो एटीन थर्टी फोर्टीज में वर्कर्स थे फॉर द राइट टू वोट इन चार्टिस्ट मूवमेंट इन ब्रिटेन एंड एंड ऑफ कैपिटलिज्म तो फैक्ट्री एक्ट जो है ये uh, पास हुआ विच uh, जो कि सेकेंड हाफ नाइनटीन सेंचुरी में पास हुआ था टू द कंडीशन ऑफ मार्क तो उसमें मिनिमम वेजेस मैक्सिमम ऑफ वर्क ये सब डिजिग्नेट किया गया मार्क्सिज राइज ना हो उसके लिए इसके अलावा ट्रेड यूनियन जो है इनको लीगलाइज कर दिया गया एंड ग्रेजुअली जो है राइट टू वोट दिया गया बाई नाइनटीन टवेंटी नाइन एंड एटीन में पोलिटिकल पार्टीज बिगेन जो है आर्गुबली गोइंग फॉर राइट टू वोट टू वर्कर्स एंड फॉर वर्कर इंटरेस्ट तो बिकॉज ऑफ दिस लाजस्ट फेयर इंडेड एंड रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी ये स्ट्रेंदन हुआ और ये तो इम्पैक्ट हुआ ब्रिटेन में अपना कॉलोनीज लाइक इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ये इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन के बाद ख़त्म हुई और जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में तो लॉस ऑफ मार्केट हुआ इम्पोर्टर बन गया इंडिया फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्टर हो गया रॉ मटेरियल का Colonial, जो कॉलोनियलिज्म था इट इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ना लाइक like सूस कनाल uh, का कंस्ट्रक्शन हुआ एटीन फिफ्टी नाइन टू सिक्सटी नाइन के बीच में चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये बने एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया बिकॉज आर्टिस जो थे दे फॉल बैक ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज देर वॉज नो इंडस्ट्री इन इंडिया लेफ्ट और लिमिटेड लैंड थी और मोर पीपल थे उसकी वजह फेगमेंटेशन ऑफ लैंड हुआ और भी एग्रीकल्चर सेक्टर क्लस्टर्ड होता गया तो ये इंडस्ट्रियल ये रिवोल्यूशन ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में पहला हुआ तो सेकंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये एटीन सेवेंटी टू एटीन नाइनटीन सेवेंटी के बीच माना जाता है ये हॉलमार्क है इसका न्यू सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी बने और इंडस्ट्रियल जो है इंटरनल कम्बशन इंजन जो है जैसे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था एटीन सेवनटीन फिफ्टी टू एटीन फिफ्टी में उसमें स्टीम इंजन बना था इंटरनल कम्बशन इंजन की वजह से ड्राइव किया थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला जाता है कि जो है नाइनटीन सिक्सटी नाइनवर्स आया जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और टेलीकोम्युनिकेशन बेस्ड जो है ड्रिवेन ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहा इसमें रोबोट्स का यूज़ और जो है प्रोग्रामेटिक लॉजिक कंट्रोलर्स इन सबका यूज़ बढ़ा और जो बोला जाता है फोर्थ इंडस्ट्री रोल्यूशन इज ऑन गोइंग जो कि जो ऐप बेस्ड जो है साइबर इंटरनेट एंड देयर एप्लीकेशन बेस्ड इंडिशनल रिवोल्यूशन है तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेशनल रिवोल्यूशन और इसके आगे का पार्ट हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें कुछ सजेशन हो तो कृपया कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी है आसपास का लर्निंग ग्रुप है जिसमें आप डिस्कस करते हैं नहीं है तो कृपया वो ग्रुप बनाएं और उसमें इसको शेयर करें आपस में मिलकर पढ़ाई करें और बिकॉज नॉलेज जो है बाटने से बढ़ती है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए